कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, और हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं अनन्या नारायण खेरनार आपसे देश प्रेम और देश निर्माण के बारे में मेरे कुछ विचार आपसे साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 को हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम तिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, तो रंग के बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे, और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात के हो जाया करते थे, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे रूनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों के ध्वजा उड़ाने के लिए भेज देती है, और पत्र लिखा कर ये भेजा करती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, मगर आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। अगर मेरे विचार से कोई व्यक्ति अपना काम पूरी जिम्मेदारी से और ईमानदारी से कर लेना, तो वही उसकी सच्ची देशभक्ति होगी। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना है देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पर ट्रैफिक की छाव में जो बच्चा नंगी पाँव जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, या उसकी देशभक्ति नहीं, या उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करा देती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को, न मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को, जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो तो बस भोजन की निवालों को जानते हैं, वो तो बस भोजन की निवालों को जानते हैं। देश और परिवार के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, देशद्रोही के जीवन में आने वाला हर तूफान है देशभक्ति, ताकि देशद्रोही भी यह समझ जाए, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है, और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। आज के जमाने में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी भारत के भविष्य को बांधे रखने की, आज वही युवा 4x4 इंच के छोटी सी स्क्रीन पर अपनी उंगलियों की घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बटन टोटका रे काम मेरा रोज का भारत के भविष्य को तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करता देख भाई हड़काते हैं, लड़कों से बात करता देख भाई हड़काते हैं, और वही भाई
वही भाई घर में गर्लफ्रेंड के किस्से हंस हंस कर सुनाते हैं, गर्लफ्रेंड के किस्से हंस हंस कर सुनाते हैं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं और दान देने के लिए उत्सुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए, यही सच्ची देशभक्ति है। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भारत माँ तेरी संताने हैं किसी से कम नहीं, भारत माँ तेरी संताने हैं किसी से कम नहीं।